हाँ तो हाय मेरे प्यारे ट्रेडर, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो ट्रेडर, मैं हूँ मोहम्मद अली शेख, एंड आज के वीडियो में जो स्ट्रेटजी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस स्ट्रेटजी के बेस पे आप जो है ना बाइनरी ट्रेडिंग में तूफान मचा देंगे, ट्रेडिंग में आप तहलका मचा देंगे। तो किस तरीके से? तो ये ट्रेड मेरा एक मैं यहाँ पे ले रखा था जो मेरा प्रॉफिट गया है। तो आज की वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया, स्ट्रेटजी को जानने के लिए आपको वीडियो को जो है ना पूरा ध्यान से देखना होगा। अगर आप पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो बाइनरी ट्रेडिंग में आप आग लगा देंगे, आप टहलका मचा देंगे, आप तूफान मचा देंगे। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर में आप जो है ना हिला के रख देंगे, आप जो है ना अपना जो भी लॉस है उसे रिकवरी कर लेंगे, साथ में प्रॉफिट में आप रहेंगे हमेशा ही। तो जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ ना, इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने दिया है बैलेंस थ्योरी 1। बाइनरी ट्रेडिंग में बैलेंस थ्योरी 1 मेरा ये एपिसोड है। इसमें और भी एपिसोड आएगा आपके लिए, जिसमें आपके लिए जो है ना इसको जान गए ना तो आप लोग जो है ना अपना लॉस वगैरह सब रिकवरी कर लेंगे, साथ में प्रॉफिट में आ जाएंगे, देख लेना आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में आप लोग ध्यान से बने रहे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय। करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे डेली का आपको जो है ना श्योर शॉट सिग्नल्स देते हैं, जिस सिग्नल्स के बेस पे आप अपना लॉस वगैरह रिकवरी कर सकते हो, ठीक है? तो एंड इस वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टहलका मचाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा किस तरीके से, जो मैं आपको बैलेंस थ्योरी 1 बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप 100% जो है ना विनिंग एक्यूरेसी निकाल सकते हो। तो चलिए जिसमें आप जो है ना अपना टहलका मचाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी ढंग से समझाऊं। स्क्वायर टाइप का मैं कुछ बनाता हूं, मैं यहां पे एक स्क्वायर टाइप का बना लिया हूं, एंड यहां पे मैं दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या कि एक यहां पे लाइन चार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड दूसरा क्या होगा कि आपको जो यहाँ पर कैंडल्स वगैरह जो होते हैं कैंडल स्टिक पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आप लोग को इसको ढंग से समझना होगा, अगर समझ गए तो आप लोग कभी भी बाइनरी ट्रेडिंग हो या फोरेक्स या स्टॉक वगैरह सभी में आप जो है ना प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए, तो इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है? तो चलिए मैंने ये जो लाइन बनाया है, इस लाइन के बीच में आपको मैं ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग ढंग से समझना, ठीक है? तो यहाँ पर से मैं ग्रीन करके स्क्वायर टाइप का मैं यहाँ पर लाइन खींचा हूँ, एंड उसके बाद ड्रॉ किया हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर से क्या है कि मैं यहाँ पर रजिस्टेंस के लिए कुछ लाइन्स ड्रॉ करूँगा। आप लोग बाइनरी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग किसी भी ट्रेडिंग फील्ड में हो तो आप लोग को ये लाइन्स के बारे में पता होगा। प्राइस एक्शन में सपोर्ट रजिस्टेंस का कुछ लाइन्स होते हैं, SNR लेवल वगैरह कुछ होते हैं जिसके बारे में पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग मेरा पेड कोर्स बाय करके आप मुझसे सीख सकते हो, जो मैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, जो आप टेलीग्राम पे जाओ मेरे से कांटेक्ट करो, वहां पर से आप मेरा पेड कोर्स बाय कर सकते हो। मिनिमम प्राइस में आपको जो है ना 22 घंटे का आपको कोर्स है, अप्लाई करना है, आपको इजिली आप बाइनरी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग फील्ड में आप किंग बन जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर से मैं ये लाइन, यहाँ पर से हमने ये लाइन खींच लिया है, एंड दूसरा एक और लाइन मैंने खींच लिया यहाँ पर से, एक और था वो भी रेजिस्टेंस का ही लाइन है, ठीक है? क्योंकि मार्केट को नीचे से ओपनिंग होना है, तो यहाँ पर से मैं पहले सबसे पहले आपको लाइन चार्ट में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो नीचे से मार्केट ओपनिंग होता है, यहाँ पर से ग्रीन के लिए ओपनिंग जाता है, एंड क्या होता है कि वहाँ पर से नीचे की तरफ एक छोटा सा पुल वैक्स होता है, एंड पुल वैक्स होने के बाद जो है ना, अभी मैं लाइन चार्ट में आपको समझा रहा हूँ, आपको ढंग से समझना है, ठीक है? वीडियो स्किप मत करना है, स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझेंगे तभी आप प्रॉफिट में जाएंगे, नहीं तो लॉस में रहेंगे। इस वीडियो में आपको ज्ञान की बात मैं देने वाला हूं जिसके बेस पे आप ही प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है? तो यहां पे देखो मैंने क्या किया है, दो मरतबा दो लाइन यहां पे ड्रॉ किया, नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, है ना? दो लाइन है जिसमें एक है ग्रीन का एंड दूसरा है रेड का, ठीक है? यहाँ पर से लाइन चार्ट में अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो क्या होता है, रेड के बाद यहाँ पर से फिर एक ग्रीन की बनती है, जो क्या करती है, उस रेजिस्टेंस को लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को लाइन को क्रॉस कर दिया है ना, ये रेजिस्टेंस के लाइन को क्रॉस कर दिया है ये ग्रीन वाले लाइन ने, ठीक है? लाइन चार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं जब, है ना? तो क्या होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पर से आपको एक रेड का फिर से लाइन दिखेगा, नीचे की तरफ लाइन आएगा, ठीक है? मान के चलो मैं ये लाइन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? जो वो लाइन आपको जो क्या होगा वो नीचे ब्रेक कर सकता है, ठीक है?
वो लाइन को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन की लाइन बनेगी, वो क्या करेगी, बड़ी वाली कैंडल्स बड़ी लाइन बनेगी, बड़ी वाली लाइन बनेगी जो क्या करेगी, अगला वाला जो रेजिस्टेंट लाइन है उसको ब्रेक करेगा। उस लाइन को ब्रेक करने के बाद क्या होगा, फिर से एक रेड का आपको लाइन नीचे आएगा, फिर से रेड का लाइन आने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर से ऊपर के लिए ग्रीन के लिए जाएगा, ठीक है, एंड वो ऊपर के लिए जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर से मैं अभी आपको बता दूँ गाइज कि यहाँ पर से आपको कितने सिग्नल्स मिले, है ना। तो यहाँ पर से आप देखना है कि सिग्नल्स किस तरीके से मिलता है। तो इसके वजह से मैं अभी आपको पहले एक मरतबा क्या है ना कि अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैंडल स्टिक पे, फिर मैं आपको बताऊँगा कितना सिग्नल्स मिला है, एंड उसके बाद लाइव ट्रेड करेंगे, एंड उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से, उसके बाद लाइव ट्रेड करेंगे और फिर मजा करेंगे, ठीक है, फिर तूफान करेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रेड करेंगे या फिर तूफान मचाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो मैं फिर से आपको जो है ना ड्रॉ करके ढंग से दिखाने की समझाऊंगा कि यहाँ पे कैंडल्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर से क्या है, एक ग्रीन का मैंने स्क्वायर टाइप का बना लिया है, एंड उसके बाद से यहाँ पर से नीचे की तरफ से एक बुलिश कैंडल्स ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने से पहले मैं यहाँ पर आपको लाइन्स ड्रॉ करके बता दूँ, है ना, जो ये रेजिस्टेंस का लाइन है एंड एक और रेजिस्टेंस का लाइन है, ठीक है, यहाँ पर से एक और रेजिस्टेंस का लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होता है, नीचे की तरफ से बुलिश कैंडल ओपनिंग हुआ है, ठीक है। ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर से एक हल्का सा पुल बैक रेड का कैंडल्स दिखने को मिला आपको, ठीक है, एंड उसके बाद ग्रीन का बुलिश कैंडल्स फॉर्म हुआ है, जो क्या किया है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद क्या होता है, एक रेड का कैंडल्स पुल बैक के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर से रिटेस्ट करने के लिए कैंडल्स आया, फिर से रेड का, ठीक है। उस रिटेस्ट कैंडल के बाद क्या होता है, यहाँ पर से एक ग्रीन का कैंडल्स फॉर्म होता है, जो फिर से बुलिश कैंडल्स होती है, एंड वो अगली रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो वो अगली रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर से क्या होता है, रिटेस्ट करता है, मार्केट डाउन के लिए आता है, ठीक है। वो डाउन के लिए आने के बाद क्या हुआ है, मार्केट फिर से यहाँ पर से सपोर्ट पे ही रुक जाता है, मार्केट ये वाले सपोर्ट लाइन पे। तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस पहले मानते थे, जब ये कैंडल प्रेजेंट वाले ने ब्रेक किया इस लाइन को, तो अब ये हो गया क्या, सपोर्ट। इसी तरीके से नीचे वाला लेवल भी था, जो पहले क्या था, रेजिस्टेंस, फिर ग्रीन कैंडल का बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया, तो अब वो बन गया सपोर्ट, ठीक है। तो वहाँ से ग्रीन का कैंडल्स फॉर्म हुआ है, इसी तरीके से यहां से भी फिर से ग्रीन का कैंडल्स फॉर्म होगा, ठीक है। वो ग्रीन का कैंडल फॉर्म हो गया है, तो अब यहां पर से फिर से क्या होगा, फिर से एक रेड का रिटेस्टमेंट होगा, ठीक है। जो ये रिटेस्टमेंट आपको बड़ी भी मिल जाए, इतनी बड़ी रिटेस्टमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने जो लाइन चार्ट में मैंने समझाया है क्या, कि पहले मैंने लाइन में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, है ना। यहाँ पे मैं दोबारा से लाइन से भी अगल में जगह है तो मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से लाइन ऊपर गया, है ना, फिर से लाइन थोड़ा सा नीचे आया, फिर से लाइन यहाँ से काफ़ी बढ़िया ऊपर गया, है ना, यहाँ से काफ़ी बढ़िया ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट जो है ना नीचे जाता है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर से ग्रीन बनता है, फिर से मार्केट रिटेस्ट करता है, है ना, फिर से रिटेस्ट करने के बाद फिर से क्या होता है, मार्केट यहाँ पर से फिर से बुल्स, है ना, बुल्स जाता है। तो बुल्स जाने के बाद अब मैं गाइस आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर से आपको सिग्नल किस तरीके से जनरेट करना है, जो हमारा बाइनरी ट्रेडिंग का 100% श्योर शॉट है, जो बैलेंस थ्योरी 1 पार्ट एपिसोड जो मैं बना रहा हूँ गाइस, इसमें आपको 100% श्योर शॉट आप मान सकते हो इसमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस क्या, कि कितने सारे ट्रेडर आपको क्या करेगा, कि आपको कहेगा क्या कि आप फुल अमाउंट का कंपाउंडिंग करो, क्या फुल अमाउंट का आपको कंपाउंडिंग करो, जिस के बेस पे आप जो है ना अपना लॉस वगैरह रिकवर करें, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है ना। तो फुल अमाउंट का आपको कंपाउंडिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बताऊंगा उस तरीके से आपको चलना होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप चलेंगे ना तो आप कभी भी लॉस वगैरह में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई भी ट्रेडर आपको कितनों समझा दे आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मुझे टोटल ही सिग्नल कितना मिलता है, जो मैंने अभी जो ये पैटर्न बनाया है इससे मुझे सिग्नल भर भर के मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस लेवल होना चाहिए, ठीक है।
आपके अंदर धीरे होना चाहिए, आपको सबर होना चाहिए एंड धीरे धीरे आप ट्रेड करेंगे। एक सिग्नल लो निकल जाओ, यहाँ पे भले ही 3 सिग्नल्स है लेकिन 4 सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मुझे सिग्नल्स कितना मिला है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा आपको खींचने की कोशिश नहीं करूँगा, उसके बाद फटाफट से जाएंगे और ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में। उसके बाद मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो ये रेजिस्टेंस का लाइन मैंने पहला वाला बनाया है, उस रेजिस्टेंस को लाइन को यहाँ पे ये वाला बुलिश कैंडल ने क्रॉस किया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे रिटेस के लिए ट्रेड लेना था 1 मिनट के लिए, डाउन के लिए मैं प्रॉफिट में जाता है, ठीक है। ये होता है बैलेंस थ्योरी का 1, ठीक है। ये मैंने बना दिया है, जिसमें क्या हुआ यहाँ पे भी फिर से बुलिश के लिए गया है, तो फिर से रिटेस के लिए आपको यहाँ पे लेना था ट्रेड जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको चलना होता है। तो यहाँ पर से आपको 3 सिग्नल्स मिलते हैं, मिला है जो ये पैटर्न मैंने आपको दिखाया, इस पैटर्न में आपको 1 एंड 2 एंड यहाँ पे 3 पैटर्न्स का 3 सिग्नल्स मिल गया आपको, यहाँ पे 3 सिग्नल्स मिलता है, ठीक है। तो जिसके बेस पे जो ये बैलेंस थ्योरी मैंने 1 बनाया एपिसोड, इसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो क्या? अभी मैंने आपको समझा दिया, अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से एग्जांपल करके बता दो कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस का लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस को लाइन को किसी भी कैंडल्स यहाँ पे बुलिश वाली क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट कैंडल आपको क्या करना है, डाउन के लिए जाना है, ठीक है। ये डाउन के लिए जाना है, लेकिन पीछे देखना होगा आपको, मार्केट का पीछे देखना होगा, क्या यहाँ से मार्केट ने बुलिश के लिए गया था, ठीक है, एंड यहाँ से क्या रिटेस्ट किया है या नहीं किया, ये देखना होगा, इसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मार्केट लाइव मार्केट में जाएंगे एंड वहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे रिटेसमेंट है या नहीं, और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ये हमारा बैलेंस थ्योरी 1 एपिसोड जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बारीकी से, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह होते हैं एंड पीक रेज रीडिंग होते हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस होते हैं एंड कुछ बहुत सारे स्ट्रैटेजी वगैरह होते हैं, सभी को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। सिंपली मैंने आपको बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर में स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए मैंने बता दिया है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन को फॉलो करके आप ट्रेड करेंगे तो आप इजीली विन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड पहले जो मैं एक ट्रेड किया था वो भी मैंने प्रॉफिट किया आपके सामने में एंड अब यहाँ पर से मैं दूसरा ट्रेड करेंगे वैसा मार्केट ढूंढने के बाद। तो यहाँ पे मेरा मार्केट थोड़ा हैंग कर गया, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, तो यहाँ पर से मैं थोड़ा इसको मार्केट को ठीक कर लूँ फिर मैं आगे बात करते हैं। मैंने जो अभी आपको समझाया है उस हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है ना, तो यहाँ पर से मार्केट रजिस्ट किया, ओके 100% ये बिन गया आपका, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर से एक ऊपर की तरफ जहाँ पर से एक सपोर्ट बनाता हूँ तो मार्केट यहाँ से अप जाना चाहिए, है ना, लेकिन ये क्या हुआ है, मार्केट ने क्लोज किया है नीचे से, लेकिन क्या हुआ है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन क्या हुआ है? यहाँ पर से मैं आपके लिए ट्रेड लेता इस रेड वाले कैंडल के बाद तो मेरा प्रॉफिट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए गाइज। मैंने जो अभी बताया है स्ट्रेटजी आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से खेल सकते हो आप, किस तरीके से बाइनरी में तूफान मचाएंगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे श्योर शॉट ढूंढेंगे, तो एक तो हमारा यहाँ पे श्योर शॉट ये होगा एंड एक यहाँ पे ये भी बन जाएगा हमारा श्योर शॉट पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बुलिश कैंडल काफ़ी बढ़िया बन के इस लाइन को ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस करता है तो हम डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। एंड मैंने जो अपना ट्रेड पहला लिया था, पहला ट्रेड किसी और स्ट्रेटजी के बेस पे मैंने ट्रेड करके प्रॉफिट किया था, जो वीडियो स्टार्ट होने में मैंने $1000 का ट्रेड किया था जिससे मेरा प्रॉफिट गया है, वो किसी और स्ट्रेटजी के बेस पे था। तो आप लोग उस वीडियो को इस ट्रेड को मत मिला लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिया पूरा पूरी, लेकिन अब नहीं रुकना है क्योंकि मेरे को एक टाइम यहाँ पे 1 टाइम काम कर चुका है पैटर्न जो मेरा रजिस्टर करना था। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये बात कोई ट्रेडर नहीं बताता होगा आपको, क्या कि पीछे जो स्ट्रेटजी है क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड यहाँ पर से मार्केट गया ऊपर एंड वहाँ से नीचे आया, तो फिर से ये जो ऊपर जा रहा है तो क्या इस लाइन को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? तो मैं कहूँगा कि हाँ ये लाइन को ब्रेक करेगा, क्यों? क्योंकि 1 टाइम काम कर चुका है, दूसरा टाइम काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर से जो है ना एक बोल लेवल होता है, आपको समझना होगा क्या है कि एक गोल सा पैटर्न होता है। अभी आपको समझना होगा कि यहाँ से एक गोल पैटर्न है और यहाँ से बॉल गिरता है नीचे, तो ये पहली मरतबा नहीं पास कर पाए ऊपर, है ना, ये यहीं से रिटर्न आ सकता है, लेकिन दूसरी मरतबा ये जरूर पार कर देगा, है ना। तो इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर से कभी कभी 3 मरतबा में पार करता है, कभी कभी 4 मरतबा में भी पार करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं करता है, दूसरा टाइम में भी नहीं करता है, तीसरा टाइम जरूर करता ही करता है। तो यहाँ पर दूसरा टाइम में नहीं किया है, अभी आपको दिखा है यहाँ पर ये कैंडल ने एंड तीसरा टाइम में कर दिया है। तो अभी यहाँ पर पहला टाइम में ट्रेड मेरा बन चुका है, तो अभी ये फिर भी मैंने ट्रेड कर दिया $1000 का डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर ये मेरा लॉस जाता है नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटजी यूज करेंगे एंड डबल मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं अगर मुझे सिग्नल मिलता है तो मैं लूँगा, ठीक है।
तो यहाँ पर से मेरा ये ट्रेड को मैं एनालाइज कर लूँ पहले कि मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट जाता है या नहीं जाता है। तो देखो एग्जैक्टली मैंने डाउन का यहाँ पे मेरा सिग्नल्स था और मैंने बैलेंस थ्योरी वन मेरा एपिसोड को मैंने जो फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड किया हूँ, देखते ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट जाता है या लॉस जाता है। लास्ट के कुछ 28 सेकेंड है और यहाँ पे हिस्टोग्राम दिख रहा है आपको गाइस, हिस्टोग्राम मैंने लगा रखा है यहाँ पे, जो काफ़ी बड़ा हिस्टोग्राम यहाँ पे ग्रीन का दिख रहा है एक, एंड दूसरा भी ग्रीन का हिस्टोग्राम काफ़ी बड़ा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे खरीदारी खूब भर भर के हुई है एंड यहाँ पे भी खूब भर भर के खरीदारी हो चुकी है। अब मार्केट के अंदर क्या है, भर भर के सेलिंग आने वाला है, मार्केट के अंदर भर भर के सेल आने वाला है। तो आपको इससे भी इंडिकेशन मिल चुका है कि यहाँ पर से मार्केट को डाउन ही जाना चाहिए। श्योर शॉट मेरा बिन जा चुका है, 100% श्योर शॉट मेरा बिन जा चुका है, देख लीजिएगा गाइस आपने। तो मेरा ये स्ट्रेटजी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है, आप लोग मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ये स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो कि वन टाइम आपको रेजिस्टेंस देखना होगा पीछे काम किया है, दूसरा मरतबा आपको लगा देना है, तीसरा मरतबा में फेल करेगा, चौथा मरतबा में फेल करता है ना। तो इसी तरीके से आपको दो मरतबा में काम करना ही करना है, फर्स्ट लेवल देखना है, सेकेंड टाइम काम करेगा, थर्ड टाइम नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम जो लेवल आपको मिला है वो लेन को लेवल को दूसरा टाइम यूज करना है, तीसरा टाइम नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मिला हो आपको लाइक करना है वीडियो को, कमेंट में जो भी वैल्यू आप दे सकते हो अपने मेरे वीडियो को ऊपर दे सकते हो। टेलीग्राम पे VIP में ज्वाइन नहीं होना तो फटाफट से VIP में ज्वाइन हो जाओ, क्यों VIP में जहाँ पे मैं डेली 10 से 15 सिग्नल 20 सिग्नल दे देता हूँ, जिसके बेस पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट और लॉस वगैरह सब रिकवरी कर सकते हो। एंड वो भी क्या, मैं टर्नओवर लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपके टर्नओवर पे मुझे 1-2% 3% का प्रॉफिट है। एंड जो रेवेन्यू शेयर वगैरह जो ट्रेडर देते हैं उन लोग के ग्रुप में ज्वाइन कभी मत होना, क्यों, क्योंकि वो लोग का मकसद है लॉस कराना आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल।